अहमद अली नामी नौजवान जिसकी उम्र 23 साल बताई गई है और उनके वालिद का नाम मोहम्मद अली है, गुलबर्गा मेडिकल कॉलेज से MBBS सेकेंड ईयर में ज़ेर तालीम थे। वो गुज़िश्ता 13 नवंबर से लापता बताए गए हैं। उनके अहले खाना ने इसकी इतला पुलिस को भी दे दी है और आवाम से गुजारिश की है कि अगर वो किसी को नज़र आ जाएं तो 9916774534 या फिर 9052149706 पर फ़ोन करते हुए इतला दें। मेरा लड़का मोहम्मद अहमद अली MBBS फाइनल ईयर का स्टूडेंट है और ये गुलबर्गा के MRMC कॉलेज में पढ़ता है। चूँकि COVID-19 की तरफ से वो ऑनलाइन क्लासेस घर से ही कर रहा था, मेरे पास ही था। अचानक जुमा की शाम में 7:45 के बाद घर से निकला, फिर वापस नहीं आया। जुमा के दिन 13 को घर से निकला, फिर उसके बाद से वापस नहीं आया। हम अपनी तरफ से जितनी भी कोशिशें हैं, रिश्तेदारों के पास, दोस्त अहबाब के पास और दूसरे साहब बहुत से और लोगों के पास तहकीक कर रहे हैं, लेकिन अब तक उसका कोई पता ना चल सका। इसके अलावा भी हम यहाँ गोलकुंडा PS में भी रिपोर्ट दायर करे हैं, FIR भी हुई है और वो लोग भी कोशिश कर रहे हैं, मगर अब तक बच्चा नहीं मिल पाया। ये मेरा लड़का है जो गुम हो गया है। मैं पुलिस कमिश्नर साहब से और जितने भी DCP साहब और जितने भी पब्लिक से भी मैं और तमाम लोगों से भी मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि मेरे बच्चे की तलाश के सिलसिले में आप लोग मेरी मदद फरमाएं। जहाँ पर भी मेरा बच्चा नज़र आए उस मेरा मोबाइल नंबर पर, मेरा मोबाइल नंबर 7829574276 है, इस पर बराए मेहरबानी आप मुझे इत्तला दें। मैं आपका बहुत ही ममनून मशहूर हूँ। मैं खुद अपने बच्चे से भी बहुत ही गुजारिश करता हूँ कि अगर हमसे कोई ऐसी गलती हो गई हो जिसे तुम्हें नागवारा लगा हो या तुम्हें बहुत ही मुश्किल नज़र आ रही हो, तो देखो इस वक्त हम दोनों, अम्मी और अब्बा दोनों भी इस वक्त बूढ़े उम्र में हैं और फिर दूसरे साथ साथ बीमार हैं। इनको मज़ीद तकलीफ़ मत दो। आपकी जो भी तकलीफ़ हो, तुम्हारी जो भी तकलीफ़ हो, जो भी शिकायत हो, अगर ऐसा कुछ तकलीफ़ पहुंची है तो आ जाओ घर को, हम इंशाल्लाह तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। उसके बाद तुम जैसा बोलेंगे हम वैसा सुनेंगे। फिर पुलिस भी हमको बहुत ही कोऑपरेशन कर रही है और बच्चे की तलाश के सिलसिले में चौथ तरफ वो भी कोशिशें कर रही हैं, CCTV निकाल कर जहाँ जहाँ वो उनकी कोशिश कर सकते हैं पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं कमिश्नर साहब से और DCP साहब से बहुत ही रिक्वेस्ट के साथ अपील करता हूँ कि प्लीज़ मेरी इस तकलीफ़ के वक्त बच्चे को मेरे ढूंढ निकालें और मुझ तक पहुँचा दें, तो मैं आपका बहुत ही थैंकफुल रहूँगा।